के एक है, 100 रुपए के 4 है। बोतल के लिए भाई हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे आ गए थे, तो टॉप से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा था। गाइस तो मैं आपको जितेंद्र जैक्सन एक नए ब्लॉग के साथ आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का मौसम बहुत सुहावना है, बढ़िया है। सुबह के बच्चों के 9:30 हम नहा धो के सब रेडी हो चुके हैं। आज जिम नहीं गया क्योंकि आज रात को लेट सोए थे एडिटिंग करके, आज जिम नहीं गए। कोई बात नहीं, अभी ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग आप पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज हमारी कंपनी में एक नई आइसक्रीम लॉन्च हुई है, नमस्ते इंडिया में कसाटा, ये है 50 रुपये में, ठीक है। तो आज सुनील भैया हमें पार्टी दे रहे हैं, तो पंकज भाई और सुनील भैया और हम खाएंगे। चलो चलिए देखते हैं, खोल के कैसे लग रहा है, सब खाते हैं। चलिए इसमें आ रहा है पानी, चम्मच में लिया भाई, मजाक छोड़िए। नमस्ते इंडिया की ब्रांडिंग भी है, देखने में तो बढ़िया लग रहा है। ऐसा बांट लेते हैं, ठीक है। ये इतना हमारा बहुत ही ज्यादा मस्त है, 50 रुपये में पैसे वसूल। आप भी ट्राई करें नमस्ते इंडिया कसाटा, मस्त है। आप सोचते होंगे मैं अपनी आइसक्रीम में प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। देखो पंकज भाई कैसे खा रहे हैं, चम्मच तोड़ ली उसी में घुसे जा रहे हैं, मुझे मजा आ गया। बढ़िया सुनील भैया, जल्दी आ जाओ, खत्म हो जाएगा फिर। हम लोग तीनों लोग मिलकर खा रहे हैं, मजा आ गया लेकिन कसम से बहुत अच्छा। जैसा मैंने आपको बताया था आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आज हम जा रहे हैं बबीना, तो वहाँ लगा है बबीना महोत्सव। काफ़ी दिनों से लगा था तो मैं जा नहीं पा रहा था, तो आज जा रहे हैं फाइनली। तो अभी चलते हैं, रेडी हो चुका हूँ, तो तैयार टी शर्ट ब्लोवर में, तो चलिए चलते हैं सीधा अभी बबीना हमारी गाड़ी से। चल जाए इसलिए नेहरक भाई को ले लिया, मैं अकेले आने में मज़ा नहीं आता। सही बात है, मज़ा नहीं आता है, दो जगह रुकते हैं तो थोड़ा मजा भी आता है, एंटरटेनिंग होता है। चलिए चलते हैं अपने सफर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ अभी हम आ चुके थोड़ी देर, चलते हैं सीधा बबीना, मिलते हो आप वहीं से। हमें फाइनली आ चुके हैं हम लोग बबीना महोत्सव, तो अभी हम लोग गेट पे ही हैं, गाड़ी पार्क कर दी पीछे, अभी चलते हैं सीधे अंदर आपको दिखाते हैं। चलिए तो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है ब्लॉग में, देखिए लिखा हुआ है बाहर रामराज शिल्प महोत्सव मेगा ट्रैक फेयर शिल्प महोत्सव लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इसे कहते हैं बबीना महोत्सव, और क्राफ्ट मेला लगा हुआ है, क्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उसके लिए। फिर एंटर करते हैं, आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें। चलिए आएंगे तो आपको मस्त मस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अलग अलग प्रकार की। तो जैसे मैंने मेले के अंदर आया, नाक मेरी भर गई खुशबू से, ऐसी ऐसी खुशबू देखो, कहीं इसकी खुशबू, कहीं पाव भाजी की खुशबू, कहीं भेलपुरी की खुशबू, कहीं आइसक्रीम की खुशबू, थोड़ा थोड़ा। हाँ भाई ब्लॉगर ही है तो भाई जितेंद्र जैक्सन के नाम चैनल है, तो अभी गाइस हमें लोग अच्छे लोग मिले, पूछना चैनल का नाम क्या है, जितेंद्र जैक्सन मिल जाएगा।
तो भाई इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कि क्या बताएं आपको। आप देखो कितनी सुंदर, कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी आपको बैक कैमरे दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए, हर माल 10 रुपये का। इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, इतनी भीड़ देखिए, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो बच्चे यहाँ पसंद कर रहे हैं। गाइस ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, ये हैंडमेड है सारा, हैंडमेड हाथ से बनाया हुआ है सब। सूर्य कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ये सब, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो वहाँ पर चला रहे हैं 10 रुपये। देखो चप्पल सब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया, देख के मज़ा आ गया, बढ़िया लग रहा है। ये देखिए आपको दिल्ली फैशन सेल 150 रुपये में, महादेव कितने अच्छे अच्छे टॉप वो दीदी खरीद रही है। देखिए ये 200 रुपये में, देखो कितनी लड़की लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। हाँ अच्छा है, अच्छा है। ये देखिए मात्र 150-150 रुपये में, बहुत अच्छी हो शॉर्ट जीन्स मात्र 150 रुपये में। देखिए तो आप लोग आप ज़रूर विजिट करें यहाँ पर, कुछ ही दिन बचे हैं भैया। कितने बजे हट जाएगा मेरा यहाँ पे? 30 तारीख को। तो गाइस जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ आएँ, 5 दिन बचे हुए हैं आज। मैं 25 तारीख है शूट कर रहा हूँ, मतलब 5 ही दिन बचे हुए हैं। 26 को देखिएगा आपको, 4 दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। चलिए और आपको दिखाते हैं मेला, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे झूले भी दिखाते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा आगे आएंगे, देखो यहाँ खाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, झूले लगे हुए हैं बहुत से। ये बड़ा वाला झूला लगा हुआ है, ये झूले लगे हुए हैं, झूठा भीम वाला झूला लगा हुआ है ये घूमने के लिए। एक चीज़ मेरे को नई चीज़ देखने को मिली कि ट्रेन में तो सारा है ही, लेकिन यहाँ देखो पानियों में बच्चों के लिए नाव भी है। अब ये जंप करने वाला है, आप सिनेमैटिक में देखिए, आप सिनेमैटिक में देख ही लिया हो, कितने पूरा दिखाया है हमने। ये देखिए ये कुछ नया है यहाँ पर, देखो नाव कितना बढ़िया है हमारे बच्चों को। ये हमारे एक मेला ग्राउंड में लगा हुआ है मेला, लोग यहाँ जैसे आएंगे आपको, आप जैसे बबीना में एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा। देखिए कितना बढ़िया नमस्कार, बढ़िया बच्चे घूम रहे हैं, बढ़िया है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। भीड़ भी काफ़ी है ना, ठीक है, लेकिन अभी शाम के कितने बजे, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो भीड़ इस तरह के है। देखो भीड़ सही चल रहे हैं, बढ़िया। ये खाने पीने के लिए कुछ है, चलिए पहले कुछ खाते हैं, अब भूख लग रही है बहुत तेज। पिज़्ज़ा भी है गाइस, पिज़्ज़ा भी है, देखिए हॉट पिज़्ज़ा दीदी खा रही हैं। देखिए आंटी लोगों ने काफ़ी शॉपिंग कर ली, पहले कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं खाऊंगा भेलपूरी, मुझे देखने को मिल रही है सामने भेलपूरी, तो बॉम्बे भेलपूरी खाते हैं, तो सामने भैया ने लगा रखी है ये है कोई इस तरीके से, मुझे लग रही है भूख, उसे खाते हैं बॉम्बे भेलपूरी। भैया जी एक भेलपूरी बना दीजिए। ये दिए भैया ने 20 रुपये में, चलिए पहले खाते हैं फिर आपको बताते हैं। मिले मिल गए हमारे पुराने यार अमन भाई, इनका पैर टूट गया था तो थोड़ा सही है ना, अभी राहत है पैर में, लेकिन गुटखा खाने से नहीं मानते, बहुत मनाया लेकिन गुटखा नहीं मानता है, इसलिए इसे कम बोलते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं झूले पे झूलने के लिए, झूला चलते हैं, चलो भाई चलें, अब चलते हैं पहले झूले में झूम के आते हैं, ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा लगता है। चलो तो भाई आ चुके हैं झूले के अंदर, बैठते हैं अभी। एक में कितने लोग बैठ जाएंगे? एक में दो, चलो अब अमन अमन बैठते हैं इसमें, नहीं देख तुम इसमें बैठ जाओ। अमन अमन भाई बैठ गए, हमें आराम से पैर को देखते हैं, पकड़ लेना। तो फाइनली बैठ चुके हैं अभी, चलो बड़ा धीरे धीरे चलाना, अमन भाई को बहुत डर लगता है, थोड़ा लगा कह रहा बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए अपन। भाई हम लोग सबसे ऊपर टॉप पे आ गए थे, वो टॉप से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा था, कितना बढ़िया पूरा क्राफ्ट मेला दिख रहा था हमें। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आया बैठो तो ये ना बैठा लो। अभी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, हम बैठ गए, झूला चल रहा है धीरे धीरे, ऊपर से मेला तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली नैतिक बैठ गए, नैतिक बैठ गए, ये चलाना तेज, मजा आ रहा है, देखिए कितना सुंदर व्यू है भाई, चलाओ भाई तब आएगा मजा, और क्या, कितना सुंदर व्यू, मजा आ रहा है, बहुत डांस हो रहा है, अरे यार बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, बहुत ही मजा मजा चलना शुरू हो गया, बहुत धीरे चल रहा है, मजा नहीं आ रहा
दूर तो लेकिन बढ़िया आ रहा है यहाँ से। ये डल गया चलेगा तेज। अभी आ गया लीड से। इतने बड़े बड़े मेलों में झूली आया झूलों में अभी नया तक लोग आ रहे हैं, हम लोगों ने झूल लिया है, बहुत मजा आया। ऊपर से व्यू अच्छा लगा देखने में, मतलब अच्छा माहौल बन रहा है। पहले हम लोग शाम को आए थे तो अंधेरा था, लेकिन अभी लाइटिंग वाइटिंग सब अच्छी लग रही है, अच्छी बढ़िया। आगे चल रहे हैं, मेला भी रह गया था काफ़ी चीज़ें अंदर, जो मेरी फेवरेट चीज़ें भी वो देखने जा रहा हूँ मैं। आप भी देखें, बने रही ब्लॉग में। आप हैं मेरी नहीं तो क्या कहते हैं वो संतरे की वो है ना, वो वाली मेरी फेवरेट है, वो चलते हैं पहले। यहाँ ये देखो आपको एक चीज़ और, नेक्स्ट पहले हम लोग जाए थे आगे, ये है बॉम्बे संसार सागर सेल, बॉम्बे घर संसार सागर सेल। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये देखिए घरेलू सामान है यहाँ पर, जिसमें जो घर का सामान मिलता है। सबसे सबसे देखो रेट लिखी हुई है कैसा कैसा है। 100 रुपये का आइटम, एक आइटम 100 रुपये का, ये भी 100 रुपये का एक आइटम। इसमें लिखे हैं 30 रुपये का एक, 30 रुपये के एक कॉफ़ी कप, एक 30 रुपये का एक है। बहुत सारे सामान तो बहुत सारे हैं, सस्ते सस्ते भी। देखो 30 रुपये का एक आइटम, ये 30 रुपये में सारा चीज़ है, ये भी 30 रुपये में, ये 100 रुपये में चार हैं, 10 रुपये का एक, ये देखिए 10 रुपये का एक, 100 रुपये के एक, 100 रुपये की चार हैं। बोतल भी देखो 100 रुपये की चार हैं, ये बोतल बढ़िया है। 10 रुपये का एक आइटम देखो, ये 30 रुपये के गमले हैं, गमले भी अच्छे रखे हुए, बढ़िया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी भीड़ लगी हुई सेल में, सब लोग खरीद रहे हैं। इस 100 रुपये के चार गिलास, कुछ भी ले लो आइटम, देखो 100 रुपये के चार, कुछ भी ले लो, सब बढ़िया है। ये भी हैं, ये भी 100 रुपये के चार, बढ़िया है, घरेलू सामान के लिए काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं बाहर की तरफ, फिर चलते हैं। ये पर्स हैं लड़कियों के, और देखिए लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, सस्ते सस्ते रीजनेबल रेट पर लोग खरीद रहे हैं, बढ़िया। ये कुर्ते पजामा सब बढ़िया, देखिए साड़ियाँ भी हैं, कितनी अच्छी लोग देख रहे हैं, देखो बढ़िया साड़ियाँ। लड़कियों के लिए काफ़ी सारा सामान है। ये मेरी फेवरेट जयपुर के अचार ही अचार, नहीं ये वाला नहीं है मेरा फेवरेट, संतरे वाला कहीं कहाँ है, देखते हैं। ये साड़ियाँ हैं, ये दुकानें कुछ खाली पड़ी हुई हैं, चलते हैं आगे। हम फाइनली आ चुके हैं अपने संतरे वाले भैया के पास। भैया जी कैसे हो, ये बोल रहे ना संतरे वाली गोली मेरी फेवरेट, ये 20 रुपये का संतरा है, ये मेरी फेवरेट है, तो काफ़ी सारे रखे हैं, नहीं मेरी फेवरेट है ये वाली, बहुत सारा है, चलिए हम ले लेते हैं। अभी मेला पूरा घूम लिया है, इन्जॉय कर लिया है मस्त। तो अगर अभी जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा, जितने फैला देना बिल्कुल। भैया जी का चैनल मोनेटाइज हो चैनल, वो तो गया लेकिन ठीक है, लेकिन अच्छी लगे वीडियो सब्सक्राइब मेरे चैनल पर करना, बेल आइकन जरूर दबाना सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो गाइस चलते हैं आज घर पे, पहले घर पहुँचते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी। गाइस खाना पीना सब मस्त हो गया है, रात के बज चुके हैं 9:30। आई होप आज का आपको पसंद आएगा, आपने देखा होगा कितना अच्छा मौसम का टूर रहा हमारा, मस्त मज़ा आया, काफ़ी दोस्त मिले, काफ़ी पहचान के लोग मिले, काफ़ी सब्सक्राइबर भी मिले, काफ़ी सब्सक्राइबर जुड़ा मैं, अच्छा लगा। काफ़ी लोगों से मिलते हैं तो अच्छा कुछ सीखने को मिलता है और मज़ा भी आता है। तो आज के ब्लॉग में बहुत काफ़ी मज़ा आया, अगर आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ नए, तो आज के लिए अलविदा। मैं आपको जय हिंद जय भारत।